सौम्या, और बता कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता। सच, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। हाँ, कॉलेज के खत्म होने के बाद तो हमारा मिलना ही नहीं हुआ। वैसे आजकल कहाँ रह रही है? वो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है, तो अब मैं इसी एरिया में रहती हूँ। वो सामने जो कॉलोनी है ना, वहीं पर मेरा घर है। चल, मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ। सामने ए ब्लॉक में, वहाँ तो मेरा भी घर है, मतलब मेरा बंगलो है वहाँ पर। चल ठीक है, आज मैं तेरे घर चलती हूँ, फिर कल तुम मेरे घर आना। ठीक है, चल आज हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। मोहिनी और सौम्या दोनों कॉलेज की फ्रेंड्स थीं। शादी के बाद पहली बार वो दोनों एक दूसरे से मिल रही थीं। मोहिनी की शादी एक अमीर घर में हुई थी और सौम्या एक साधारण से परिवार में शादी होकर आई थी। मोहिनी इस बारे में नहीं जानती थी। वो जब सौम्या के घर गई, तो सौम्या के घर को देखकर वो मुंह बनाने लगी। ये लो मोहिनी, गर्मा गर्म चाय पियो। सौम्या, कप अच्छे से धोई है ना? क्योंकि मुझे बहुत साफ सफाई से रहने की आदत है। तुम्हारा ये घर देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुमने शादी किससे की है? नाम क्या है और काम क्या करता है? मोहिनी, तुम मेरे हस्बैंड को जानती हो। मैं जानती हूँ? कौन है तुम्हारा हस्बैंड? यश, मैंने यश से शादी की है। यश से? अच्छा, चलो, मैंने तो उसे ठुकरा दिया था, वो मेरे स्टेटस का नहीं था। खैर, मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। और कल तुम आ रही हो ना मेरे घर? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। मोहिनी अभी जाने ही लगती है कि तभी यश आ जाता है। मोहिनी को देखकर वो चौंक जाता है। मोहिनी, तुम और यहाँ? यश, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। मुझे अभी पता चला कि सौम्या ने तुमसे शादी की है। हम दोनों रास्ते में ही मिले। सौम्या मुझे यहाँ ले आई और मुझे तभी तुम्हारे बारे में पता चला। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आना कभी सौम्या के साथ। हाँ हाँ, जरूर, बाय। सौम्या, तुम जानती हो ना कि मोहिनी कैसी है? इसे अपने पैसे पर बहुत घमंड है। तुम इसके साथ बात नहीं करो तो अच्छा है। यश, वो कॉलेज की बात थी, अब समय बदल गया है। अब हम दोनों शादीशुदा हैं। वो जानती है, उसकी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना कर लाती हूँ। फिर अगले दिन सौम्या मोहिनी के घर जाती है। सौम्या, आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये देखो, इस करवा चौथ के लिए मैंने ये साड़ी मंगवाई है, पूरे 7 लाख की है। वैसे मैं तुम्हें क्यों दिखा रही हूँ? तुम्हारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम इतनी महंगी साड़ी खरीद सको। तुम क्या पहन रही हो इस करवा चौथ पर? मैं कुछ भी पहन लूँगी। वैसे यश ना मेरे लिए एक साड़ी लाए थे, सोच रही हूँ उसे ही तैयार करवा लूँ। अच्छा, मेरे तो हस्बैंड को इतना टाइम ही नहीं होता। उनकी इतनी सारी मीटिंग होती है, इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करती हैं। इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करती हैं वो तो, उनको सब कुछ देखना पड़ता है। वो तो बस मुझे पैसे दे देते हैं और मैं अपने आप ही ले लेती हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी, करवा चौथ की पूजा के लिए तुम मेरे ही घर आ जाना। सब आती हैं, कॉलोनी की सारी लेडीज मेरे घर पर ही इकट्ठा होती हैं। सबको पता है कि यहाँ बहुत स्पेस है और सबके लिए स्पेशल इंतजाम किया जाता है। गिफ्ट भी देती हूँ मैं सबको और भी बहुत कुछ। बहुत मजा आता है। एक काम करना, तुम आ ही जाना मेरे घर, मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और फिर करवा चौथ के दिन सौम्या तैयार होकर मोहिनी के घर पहुंचती है। ओह माय गॉड मोहिनी, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छी लगी? ओह थैंक यू। वैसे मैं सेलेक्ट ही ऐसा डिजाइन करती हूँ कि सब देखते ही रह जाए। वैसे सौम्या,
तुम्हारी साड़ी तो बहुत सिंपल लग रही है। सब लोग पूजा में बैठ जाओ, मैं कथा शुरू कर रही हूँ। अरे पंडिताइन जी बुला रही हैं। चलो चलो सब लोग पूजा में बैठते हैं। घेरा बना लो सब। इसके बाद सब लोग करवा चौथ की पूजा करते हैं। मेरी सारी प्यारी फ्रेंड्स, आप सब ने यहाँ आकर करवा चौथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। सब अपने अपने गिफ्ट लेकर ही जाना। सौम्या तो थोड़ी देर मेरे पास ही ठहरना, बाद में चली जाना। ठीक है मोहिनी। सौम्या मोहिनी के पास रुकती है, तभी यश का कॉल आ जाता है। हाँ यश, मैं मोहिनी के घर पर थी, वो करवा चौथ की पूजा यहीं पर की थी। पिज्जा? ओके, वैसे आज मेरा भी पिज्जा खाने का बहुत मन है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा मोहिनी, अब मैं चलती हूँ, यश मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और वैसे भी पुनीत आने ही वाले हैं। आज मुझे उनके साथ डिनर पर जाना है। हम हर साल करवा चौथ पर बाहर ही खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इसके बाद सौम्या घर पर आ जाती है। मोहिनी अपने पति पुनीत के साथ रात को डिनर करने के लिए एक होटल में जाती है, तभी उसकी नज़र एक टेबल पर पड़ती है जहाँ सौम्या और यश डिनर कर रहे थे। मोहिनी चौंक जाती है। सौम्या मोहिनी को देख चुकी थी, वो उसे आवाज लगाती है। मोहिनी आओ ना, हमें ज्वाइन करो। ये मेरी फ्रेंड सौम्या है, हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। मिस्टर यश? अरे पुनीत जी, आप यश को कैसे जानते हैं? एक दिन मैं किसी जरूरी काम से एक मीटिंग में जा रहा था, तो रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। मुझे अर्जेंट पहुंचना था, तो मुझे यश ने अपनी बाइक पर लिफ्ट दी थी और मैं समय पर मीटिंग में पहुंच पाया था। बस उसी दिन से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। यश, मुझे पता चला आपकी डील फाइनल हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी तरक्की का सुनकर। थैंक यू सो मच पुनीत जी, इसलिए तो हमारी प्रिय धर्म पत्नी ने बोला कि आज डिनर करवाओ, बस मूड बनाया और निकल आए डिनर करने के लिए। बिल्कुल मोहिनी, तुम्हें पता है यश ने मुझे स्पेशल सरप्राइज दिया, यश का प्रमोशन हो गया, इसलिए आज ये मुझे पार्टी दे रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारी खुशी का आप दोनों भी हिस्सा बनो। बिल्कुल सौम्या जी, आओ मोहिनी, वहाँ अकेले बैठकर क्या ही डिनर करेंगे, इनके साथ करते हैं ना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मोहिनी चुप थी, क्योंकि वो जिस घमंड में जी रही थी, आज वो घमंड चूर चूर हो गया था। सौम्या भी समझ चुकी थी कि मोहिनी का घमंड तोड़ने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि मोहिनी उसे कितनी बार नीचा दिखा चुकी है। पर सौम्या ने मोहिनी का सम्मान भी किया, साथ ही उसे अच्छा सबक भी सिखा दिया, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। आकाश एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था, तब उसके पिता का देहांत हो गया था। इसी कारण आकाश को ये घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता के ऑटो चलाने का काम आकाश ने संभाल लिया। आकाश की बड़ी बहन प्राची की शादी में उसके पिता ने जो कर्जा लिया था, उसे उतारने के लिए आकाश ने अपना घर भी बेच दिया और अपनी माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। आकाश की बड़ी बहन प्राची अपने ससुराल में खुश है, इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, प्राची दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है, तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो प्राची दीदी, ये लो, माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना अच्छे से ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर,
इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं। और आकाश मामा, हाँ वो तो है, अब मामी कहलवाने वाली आ जाए बस, तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। नहीं नहीं, अपने नाती पोतों को खिला कर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस आकाश के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर को संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना ना आप। अच्छा प्राची, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, आकाश को देर हो रही है। आकाश ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उससे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पर रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी उसका एक साथी जो उसकी तरह ही ऑटो चलाता था, वो किसी लड़की से झगड़ा कर रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी ना होता है, जो आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं, तो चुपचाप मेरे पैसे मुझे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया, मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और सारे पैसे भी, मेरा पर्स कहीं भी नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे वो सामने वाले होटल में एक फंक्शन में पहुंचना है। क्या हुआ आखिर, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देखना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में दे दूंगी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। कोई बात नहीं अखिल, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने हैं? मैं दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में पैसे दे देंगी। आकाश अखिल को ऑटो के पूरे 300 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच, मेरा नाम अनन्या है, आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको पैसे अभी दे देती। कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अनन्या नाम की वो लड़की आकाश का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले ही दिन आकाश के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। हेलो, आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। अनन्या और आकाश बात करने लगते हैं। अनन्या को आकाश से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक दो बार अनन्या की मुलाकात मार्केट में आकाश से हो ही जाती है, फिर वो दोनों धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन आकाश को पता चलता है कि अनन्या एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है, तो वो उसे समझाते हुए कहता है, अनन्या तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ, तुम्हारा और मेरा यूँ दोस्ती रखना ठीक नहीं है, प्लीज तुम मुझसे मत मिला करो। तुम ना मिलने की बात कर रही हो, पर आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ आकाश, मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ खुल कर जीना चाहती हूँ। अनन्या ये कहते कहते फूट फूट कर रोने लगती है और आकाश उसे गले लगा लेता है। अनन्या अपनी मम्मी पापा से इस बारे में बात कहती है और जबरदस्ती आकाश से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर आकाश भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में
दोनों की शादी हो जाती है। अनन्या का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसके ससुराल वाले गरीब हैं। ना ही उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की। अनन्या, तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ आकाश, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, प्राची दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़ कर आई हूँ। तभी अनन्या की सास भी वहाँ पर आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारी जैसी बहू मिली। अनन्या भाभी, ये देखो, मैं आपके लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। आज आप शाम को कीर्तन में यही साड़ी पहनना। प्राची दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। ठीक है, पर एक शर्त पर। आज आप मुझे खुद ही तैयार करोगी, प्रॉमिस। अनन्या की बातें सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी सी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। कुछ ही दिनों में अनन्या ने सबके दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी। अब तो अनन्या के बिना कोई भी नहीं रह पाता था। प्राची को एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है और इधर अनन्या भी गर्भवती हो जाती है। अनन्या की माँ बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं। पर अनन्या का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। अनन्या बेटी, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, रसोई से चाय और नाश्ता मैं ले आती हूँ। क्या बात है अनन्या, तुम इस हालात में भी घर के काम खुद ही करती हो क्या? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बातें करती हो मालिनी, तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में भी आई है। यहाँ दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। माँ जी और आकाश ने कई बार मुझसे कहा है कि मैं घर में कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर ही होती हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता। और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम तो माँ जी खुद ही करती हैं। ये लीजिए चाय। अनन्या बेटी, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैं हलवाई से खरीद कर लाई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो बेटा। ओ नो 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 नो, मैं ऑयली फूड बहुत कम खाती हूँ। और अनन्या, तुम भी ये सब मत खाया करो। तुम्हें इस टाइम में जूस फ्रूट ये सब लेना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं। ये समोसे वगैरह ये सब बहुत नुकसानदायक हैं। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। वो मुझे समय पर जूस फ्रूट दूध दही सब्जियाँ और सब कुछ खाने के लिए दे देती हैं। तभी अनन्या की नंद प्राची भी वहाँ पर आ जाती है। अनन्या भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है, तो आपका पूरा चेकअप हो जाएगा और बाकी जो इंजेक्शन वगैरह। अरे प्राची, तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था? जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो बड़े बाजार में जो हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर काजल बैठती हैं। अरे वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। अनन्या, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कितना चीप है वो हॉस्पिटल। अनन्या, तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी, तुम चिंता मत करो। इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में
आज ही बात कर लेता हूँ और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ वापस घर चलो। किसके घर? आपके घर पापा। मैं अभी अपना ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर काजल, जो कि बहुत बड़ी और एक समझदार डॉक्टर हैं, उन्होंने प्राची दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल प्राची दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या फिर जा रहे हैं? क्योंकि अभी आकाश आने वाली है। वो शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है, तो हम सब डिनर के लिए वहीं पर जाने वाले हैं। अनन्या का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, ये उसकी सास और प्राची जानती थी, पर अनन्या अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करें तो उनके लिए बेहतर है। अनन्या के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ से वापस चले जाते हैं। अनन्या की सास और नंद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर अनन्या अपनी सास और नंद के गले से लग जाती है। नीलम और पूनम दोनों बहनें थीं, लेकिन शादी दोनों की काफी अलग होती है। जहाँ नीलम अमीर, तो वहीं पूनम गरीब घर की बहू बनती है। हाय पूनम, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस खाना बना रही हूँ। आप सुनाओ। मैं तो बस कमरे में बैठी बैठी कॉफी पी रही थी। सर्दी बहुत है ना? कैसी बात कर रही हो दीदी, शहर तो एक ही है हम दोनों का, गर्मी के मारे मेरे पसीने छूटे जा रहे हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरे कमरे में एसी चल रहा है तो ठंडा ही होगा ना, और काम वाली खाना बना रही है, बस खाने के वक्त कमरे से बाहर निकलूंगी। ओह अच्छा, गुड है दीदी, तो यही आ जाओ मेरे घर पर। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी, अब आराम से बात करते हैं, ओके। उसके बाद पूनम फोन रख देती है कि सामने उसकी सास खड़ी होती है। ये ले तरबूजा खा ले, मैंने काटा है, सबको बांट दिया, ये तेरा हिस्सा। अरे मम्मी मैं काट देती, आप क्यों परेशान हुई? बस रोटी बना कर खाती हूँ। सास पूनम का हाथ पकड़ कर उसे पंखे के पास ले जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी नंद और देवर बैठे होते हैं। भाभी आओ लूडो खेलते हैं, ये तो हार रही है, आप आ जाओ। अरे मैं तो रोटी बना रही थी, माँ ले आई खरबूजा खाने के लिए, अब आप भैया लूडो खिला रही हो, खाना बनाना है। कोई बात नहीं भाभी, रोटी मैं बना लेती हूँ। पूनम का हंसता खेलता परिवार था, सब एक दूसरे की मदद करते, रोज सुबह शाम पूरा परिवार साथ ही बैठता। अरे पूनम चलो तैयार हो जाओ, पानी पूरी और गोला खा कर आते हैं, जुहू चौपाटी चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज। पूनम भी जल्दी से तैयार हो जाती है और दोनों घूमने के लिए चले जाती हैं, कि तभी नीलम का फोन पूनम के पास आता है। हेलो, क्या कर रही हो पूनम? अरे दीदी मैं घर पहुंचकर फोन करती हूँ, इनके साथ जुहू चौपाटी घूमने आई हूँ, आप बताइए क्या कर रही हैं? मैं तो कमरे में बैठी हूँ, टीवी देख रही थी। अरे दीदी आ जाओ ना जुहू चौपाटी, बहुत अच्छा और सुहाना मौसम है, टू व्हीलर पर मुंह पर ठंडी हवा लग रही थी, बड़ा मजा आया। अरे नहीं नहीं, टू व्हीलर है कहाँ हम लोगों के घर, जानती तो हो तुम। खैर तुम आ जाओ ना कल मेरे घर पर। बताती हूँ दीदी, माँ जी से पूछ कर आती हूँ। उसके बाद पूनम फोन रख देती है। तुम्हें लगता होगा ना
कि काश तुम भी नीलम दीदी की तरह पैसे वाले घर में शादी करती। तो मैं कौन से गरीब घर से हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर क्या। खैर पूरी पैक करवा लो घर में सबके लिए। अगले दिन नीलम घर पर। चलिए ना शाम को पूनम के घर चलते हैं, बहुत दिनों से बुला रही है बेचारी। अरे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, रात को मेरी एक पार्टी है बिजनेस से रिलेटेड, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ ना। नहीं अच्छा नहीं लगता, शादी के बाद पति के बिना बीवी कहीं जाती अच्छी नहीं लगती। कैसी मिडिल क्लास वाली बातें कर रही हो, माँ को देखो कितनी सोशल लाइफ एंजॉय करती है वो, मैं नहीं जा सकता। अच्छा शाम को कहीं बाहर चलें, आजकल मौसम बहुत अच्छा होता है। यार अभी तो बताया पार्टी है वो भी ताज में, तुमको चलना है तो बताओ। नहीं ताज का मन नहीं है। चलिए ठीक है। फिर उसका पति ऑफिस चला जाता है, नीलम घर पर सारा दिन या तो टीवी देखती या फिर मोबाइल। नीलम सोचती है कि घर वालों के साथ जाकर थोड़ा बैठे। हाय बेटा कोई काम था, मेरे कमरे में कैसे आज। कुछ नहीं माँ, बस मन नहीं कर रहा था तो। ओ तो ये कैरम खेलोगी, हम लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं, आप अपने कमरे में जाओ, मैं लिंक सेंड कर देती हूँ। नीलम समझ जाती है कि सास उसे जाने को बोल रही है, इसलिए नीलम वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर वो मोबाइल में कैरम खेलती है और फिर कुछ सोचकर खड़ी हो जाती है। नीलम घर से बाहर आती है और ड्राइवर को पूनम के घर जाने के लिए कहती है। मुझे मेरी बहन के घर ले चलो। जी मैडम जी। और रास्ते में कोई मिठाई की दुकान मिले तो रोक देना। नीलम मिठाई की दुकान में जाती है और एक से बढ़कर एक मिठाई खरीदती है। वो अपनी बहन के घर जाती है जहाँ सारा परिवार एक साथ बैठा होता है। अरे नीलम बेटा आओ आओ, बाहर क्यों खड़ी हो। नमस्ते आंटी जी, पूनम कहाँ पर है। पूनम अभी तो यही थी, पता नहीं, देखना विजय भाभी कहाँ पर है। माँ भाभी शायद आपने जो कपड़े दिए थे वो रखने अपने कमरे में गई हैं, मैं बुला कर लाता हूँ। अरे नहीं नहीं मैं कमरे में ही चली जाती हूँ। नीलम पूनम के कमरे में जाती है जहाँ वो बालकनी में पड़ोसियों से बातें कर रही थी, तभी। अरे दीदी कैसे आना हुआ, आओ आओ चलो ड्राइंग रूम में बैठते हैं। नहीं नहीं क्या सबको परेशान करना, कमरे में ही बैठते हैं ना। कैसे बातें कर रही हो दीदी, आप आई हो तो सभी आपसे मिलना चाहते हैं, चलो ना। पूनम और नीलम सबके पास जाती हैं, जहां पूनम की सास चाय और नाश्ता बनाकर लेकर आती हैं। अरे आंटी जी आप क्यों बना रही हैं? वो इसलिए कि हम साथ बैठ सके। माँ अब आप बैठ जाइए। पूनम के घर का माहौल नीलम को कुछ अलग सा ही लगता है। कितना वक्त हो गया इस तरह का खाना नहीं खाया था, कितना स्वाद है इस खाने में। इस तरह का खाना तो हम लोगों के घर रोज ही बनता है। अच्छा खाने में क्या खाओगी दीदी। अरे इसे वो खिलाओ ना जो गांव वाली बुआ सिखा कर गई थी। हाँ हाँ मैं अभी बनाती हूँ। पूनम की नंद और देवर भी नीलम के साथ बात करने में लग जाती हैं। दोपहर होते ही सारा घर जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाता है, अंताक्षरी खेलता है और खूब गप्पे लगाता है। नीलम जब वापस घर को जा रही होती है तो पूनम की सास उसे पैसे देते हुए कहती है। बेटा पहली बार बहन के घर आई हो, वैसे तो हम लोग तुम्हारे जितने अमीर तो नहीं हैं, लेकिन मैं बड़ी हूँ, ये छोटी सी भेंट रख लो, पता होता कि तुम आने वाली हो तो कोई साड़ी खरीद कर रखती तुम्हारे लिए। नीलम सास के पैर छूती है और आंखों में आंसू भरकर बोलती है।
मैं तो सिर्फ पैसों से अमीर हूँ, लेकिन पूनम तो रिश्तों से अमीर है। जीवन में सच्ची हंसी और खुशी अपनों के साथ है, ना कि पैसों से। उसके बाद नीलम वहाँ से चली जाती है और पूनम अपनी सास को देखकर मुस्कुराने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, अंजलि और मीनाक्षी दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी और दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। अंजलि एक अमीर परिवार से थी, उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी एक गरीब परिवार से थी, उसके पिता फल बेचने का काम किया करते थे। एक दिन मीनाक्षी अंजलि से कहती है, हेलो अंजलि, कैसी हो तुम? ओ हेलो मीनाक्षी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छा ये बताओ, पिकनिक में कौन सी ड्रेस पहनने वाली हो? अगर मुझे तुम्हारा पता चल जाएगा तो मैं भी सेम कलर का ड्रेस ही खरीद लूँगी, बहुत मजा आएगा, सब लोग हमें ही देखेंगे। वो शायद मैं पिकनिक पर ना जा पाऊँ, क्योंकि पिकनिक की फीस बहुत ज्यादा है और पापा के पास इतने सारे पैसे नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। पर तुम खूब इंजॉय करना, ठीक है? ओहो कम ऑन यार, तुम टेंशन फ्री रहो, मैं हूँ ना, मैं अपने डैडी से बोलकर तुम्हारी भी फीस भरवा दूंगी, सो जस्ट चिल यार। नहीं अंजलि, ये ठीक नहीं होगा, मैं अपने घर पर क्या बोलूंगी? अरे बोल देना कि प्रिंसिपल मैम ने तुम्हारी फीस माफ कर दी है, तुमने क्लास में टॉप किया था ना, इसलिए। अगर तुम नहीं गई, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। मीनाक्षी अंजलि को मना नहीं कर पाती है। अंजलि इसी तरह कई मौके पर मीनाक्षी की मदद किया करती थी। मीनाक्षी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो अंजलि को पढ़ाई में मदद करती थी। लेकिन उन दोनों की दोस्ती अंजलि की माँ अवंतिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन अंजलि की माँ कहती है, अंजलि तुमने जो नए जूते लिए थे वो कहाँ पर है? मम्मी वो जूते तो मैंने तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? इससे मैं सब कुछ समझ रही हूँ कि तुमने वो जूते मीनाक्षी को दे दिए हैं। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि उस लड़की ने अपना मतलब निकालने के लिए ही तुमसे दोस्ती की है, क्योंकि तुम अमीर हो और वो गरीब है, उसके पास अच्छी चीजें नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। उसके साथ रहोगी तो इससे तुम्हारा स्टेटस डाउन होगा बेटा। अंजलि अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही बहुत समय बीत गए और अब दोनों सहेलियाँ कॉलेज में भी एक साथ पढ़ने लगी। लेकिन समय के साथ साथ दोनों के बीच बहुत कुछ बदल गया था। अंजलि की सोच अब अपनी माँ की तरह ही हो गई थी। अंजलि अभी भी मीनाक्षी को अपनी दोस्त मानती थी, लेकिन जाने अनजाने में अंजलि उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन मीनाक्षी अंजलि से कहती है, अरे वाह अंजलि, तुम्हारा बैग तो बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर तो होगा ही ना, इतना हाई प्राइस का जो है, सबसे बेस्ट ब्रांड का है ये। ओ सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें तो ब्रांड वगैरह के बारे में कहाँ से पता होगा। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। मीनाक्षी को अंजलि का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उधर दूसरी तरफ मीनाक्षी के मम्मी पापा को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। उन्होंने बहुत सोच समझकर मीनाक्षी की शादी अंगद के साथ तय कर दी। अंगद एक अच्छा लड़का था, लेकिन आर्थिक हालत उसकी भी कुछ अच्छी नहीं थी। जब ये बात अंजलि को पता चली तो वो मीनाक्षी के पास आई और बोली, अरे मीनाक्षी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी होने वाली है? मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा मान ही नहीं रहे हैं। हाँ हाँ कर लो शादी, वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा बहुत ही पुरानी सोच के हैं, जो अभी से तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं।
मीनाक्षी को अंजलि की ये बात बहुत बुरी लगती है। मीनाक्षी सोच लेती है कि अब वो अंजलि। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।